Amazing. ये जो है मेन एंट्रेंस है, इस जगह से बियॉन्ड आप साइकिलिंग अलाउ नहीं है, तो आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। तो ये मेन एंट्रेंस है ला मेर का। देखें अभी तक किसी ने रोका नहीं है, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। यही इशू है, यहाँ पे अलाउ नहीं है चलाना। तो देखिए ला मेर का ये मेन एंट्रेंस। ये जो है देखिए, ये मेन एंट्रेंस है सारा, ये आपको व्यू देख रहा होगा सारा। ये जो यही मेन एंट्रेंस है, साइकिलिंग अलाउ नहीं है इस जगह पे। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, अभी आई थिंक क्लोज हुए, मोस्टली रेस्टोरेंट्स क्लोज हुए हैं, रीनोवेशन कर रहे हैं। आई थिंक क्लोज ही लग रहे हैं मुझे तो। वो सामने बीच है आपके, देखें सामने। तो ये ला मेर है सारा, ये इन्होंने यूरोपियन लुक टाइप का दिया हुआ है इसके अंदर। तो अभी तो लग भी पूरा यूरोप ही लग रहा होगा, क्योंकि वेदर इतना अच्छा हुआ है। इसके बियॉन्ड आपको अलाउ नहीं है। आई थिंक सैंड माइंस के आगे वाटर पार्क भी है, तो इसके आगे जो नहीं जा सकते। तो ये बाकी इधर देख सकते हैं, ये सब गलियां इन्होंने बनाई हुई हैं छोटी छोटी सी। ये देखें, ये एक व्यू दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे। मैंने आगे एक दो दफ़ा फायरवर्क्स भी देखे हैं यहाँ पे। ऐसा बुर्ज खलीफा का भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है। वो देखें, ओ हो, बादलों ने कवर किया हुआ है पूरा बुर्ज खलीफा को। ये सारा समंदर है, और वो देखें बुर्ज खलीफा को कवर किया हुआ है बादलों में, बादलों में कवर। आगे सारा बीच है, देखिए सारा बीच हुआ, वो सारा बीच है। ये जो है सारा बीच हुआ है, और ये जो है सारा ये ला मेर, ये जो है ये तो रेजिडेंसी है अंदर ही अभी। और ये जो है ये सारा ये ला मेर अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए सारा ला मेर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो देखें बुर्ज खलीफा को ना कैसे कवर किया हुआ है इन्होंने। ये वेदर है, ये देखें क्या ज़बरदस्त वेदर हुआ है आज ही हुई। ये बादलों से पूरा बुर्ज खलीफा को कवर किया हुआ है। यहाँ से देखें आप, वो बिल्डिंगें देखें सारी कवर हुई हैं। तो ये लुक है ला मेर से। ये जो आप लुक देख रहे हैं, ये ला मेर का लुक है। तो साथ परिंदे घूम रहे हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारा पानी बड़ा लश और 10 पानी, वो फ्लैग उड़ा है वहाँ पे। ये जो हिस्सा सारा लश। तो हम वॉकिंग कर रहे हैं इधर। तो ये चीज़ है सारी ला मेर, बेसिकली ये है सारा। तो काफ़ी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है यार। ये प्रीवियसली ओपन था, काफ़ी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में थी। होपफुली आई थिंक नेक्स्ट ईयर कम्प्लीटली ओपन हो जाना चाहिए। बाकी तो कुछ नहीं पता है। सब रेस्टोरेंट भी मुझे बेसिकली क्लोज ही लग रहे हैं, ओपन नहीं लग रहे हैं मुझे। लेकिन कैसे ये बनाई हुई गलियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने, यूरोपियन स्टाइल टाइप के। दरख्त बीच में लगाए हुए हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रहा है लुक। तो बंदा देखें कोई है नहीं, ऐसा लग रहा है गोस्ट टाउन है। तो गोस्ट टाउन नहीं है बेसिकली, लोग हैं, लेकिन साइकिलिंग सुबह का टाइम आया नहीं है, बारिश भी हो रही है, कहीं और निकले होंगे घूमने फिरने, प्रायोरिटी कुछ और होगी। तो इस तरीके से तो ला मेर में जो है आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, बीचेस भी हैं और वो भी सिनेमा भी है। और ये देखें, ये देखेंगे, ये मेरे को यूरोपियन लुक दी, पूरा यूरोपियन लुक दिया भाई, पोल वोल लगाए हैं हमने, यूके यूरोपियन टाइप का भी लाइटें बनाई हुई इस तरीके से, कितना ज़बरदस्त यूरोपियन लुक दिया भाई टोटल। तो पिक्चरें भी बनाई हुई ऊपर, ये वॉल क्लॉक भी बनाया गया, वॉल क्लॉक तो नहीं है, ये क्लॉक है ओनली। तो ये सारा ये देखिए, और इस तरफ पे दूसरी साइड का बीच बनाया गया था। ये देखें, ये भी ये एक बीच, एक और बीच बनाया है। यहाँ नहान के साथ भी मैं कई दफ़ा खेला कूदा, नहाया भी हमने नहान के साथ ना, नहान भी नहाया। तो इस एरिया में साइकिल अलाउ नहीं है, तो बस आपको करना पड़ेगा। देखें यूरोपियन रूप कितना ये इन्होंने बनाई है, इस तरीके से आप क्रॉस कर लें और आगे से नीचे उतर जाएँ। तो ये ला मेर का मेन हिस्सा हो गया। अब जो है आगे जो है वो बीचेस है, रेस्टोरेंट्स हैं, वो एक अलग है, तो इधर भी बेसिकली साइकिल मुझे लास्ट टाइम लोगों ने पकड़ लिया था, कहता अलाउ नहीं है। तो अभी देखते हैं लोग पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, हाँ पकड़ लेना चाहिए, इधर अलाउ नहीं है। देख के तो गौर कर ली, क्योंकि वो छोटी छोटी शॉप बनाई हुई बीच में इन्होंने। तो बेसिकली कह रहे हैं यहाँ भी अलाउ नहीं है साइकिल नहीं चलाना। कोई रीज़न होता है कि आई थिंक एक्सीडेंट्स हो जाएंगे या कुछ, उसकी बेस पे अलाउ नहीं होता। ये देखिए बीच है सारे, देखिए वेदर के लिहाज से तो ये देखिए सारा बीच है। ये इतना ज़बरदस्त वेदर चल रहा है, आप देखें आप आज बहुत ज़बरदस्त वेदर चल रहा है और ये बीच बना, ओहो वेदर भी बहुत अच्छा है। यही सारा बीच है सारा, वो सामने रेजिडेंसी है सारी, ये वॉकिंग के तरीका भी बनाया हुआ है इन्होंने, क्या बात है, ज़बरदस्त मज़े भाई। तो ये है ला मेर सारा, उधर तक बीच होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, इस तरफ भी रेस्टोरेंट होटल। तो ये है सारा ला मेर। तो अभी बाहर की साइड पे चलते हैं। ला मेर तो आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये बीचेस है, रेस्टोरेंट है, ये सारे रेस्टोरेंट बनाए हैं इन्होंने, सामने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। इस तरीके से सारे रेस्टोरेंट्स हैं इधर, और ये सारा ला मेर हो गया। वेदर जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ वैसे, तो बिल्कुल यूरोपियन लुक दे रहा है। उस जगह से हम आए थे राइट साइड से, और अभी लेफ़्ट साइड पे चलेंगे। पता नहीं इधर भी अलाउ है कि नहीं है इधर इस एरिया में। ये देखिए ये रात को लाइटें चल रही होती हैं सारी ना, लाइटें होती हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ लेके आप आ जा सकते हैं। तो ये है सारा यहाँ पे, अब गाड़ियाँ लेके आके इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। पार्किंग आई थिंक वैलेट पार्किंग है, वो एक्सपेंसिव होती है, वैलेट पार्किंग होती है। तो देखिए आपको लग कैसा, घोस्ट टाउन लग रहा है ना बिल्कुल। तो ये गोस्ट टाउन टाइप है। मैं असल में सुबह सुबह निकलता हूँ तो इस वजह से कोई बंदे ही नहीं होते, तो आप खूब घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये सब गाड़ी आ गई, गाड़ी गई ना जैसे, तो गाड़ी आ जा सकती है। बाकी ये पूरा गोस्ट टाउन बना हुआ है, ना बंदा ना बंदे की जात। तो ये ला मेर बेसिकली आपका ला मेर हो गया, टूरिस्ट लोग। यहाँ पर प्रीवियसली मैं आया था, कुछ फाउंटेन वगैरह भी बनाई हुई थी इन्होंने, पता नहीं वो है नहीं है, काम कर रही है नहीं कर रही, इस एरिया में बनाई हुई थी। देखिए पानी भी नहीं है, ये जो बनाई हुई ना उन्होंने, ये था इसके अंदर पानी होता था, सारा पानी वानी हटाया हुआ। आई थिंक पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा बेसिकली ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तक। ओपन आई थिंक होगा, लेटर ऑन ओपन होगा। तो ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लास्ट टाइम आया था इस जगह पे सारा पानी पड़ा होता था, ये सारा पानी में कवर होता था। तो अभी पानी नहीं है इसमें अंदर, पूरा खाली किया हुआ। रेस्टोरेंट्स भी मुझे बंद लग रहे हैं। तो लीफ ऑलरेडी यू श्योर, ये साइन बोर्ड भी लगाएंगे। तो बेसिकली ये मैंने ला मेर आपको दिखा दिया सारा। तो 100% ओपन नहीं है, तो इस वजह से आपको तब मज़ा शायद आया हो ना आया हो, तो कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, बंदा एक भी नहीं मिला आपको ना रास्ते में, कि एक भी बंदा नहीं मिला। क्या बात है, मज़े करो भाई। फुल मज़े हैं। तो ये देखें सारा पार्क, एक पार्क भी बनाया मैंने बीच के साथ। ये बाकी सारे रेस्टोरेंट हैं। ये प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है, ये भी क्लोज ही लग रहा है। बस सब क्लोज है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। बंदा एक बंदा तो एक्सरसाइज करता हुआ। तो वहाँ से आए हम लोग उस एरिया से। बस अभी वापसी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तो मोस्टली एरियाज आर क्लोज ड्यू टू मेंटेनेंस। लिविंग ऑलरेडी आर यू श्योर, ये देखें इस तरह के साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। चलना चाहिए, अभी तो बाहर की तरफ निकलते हैं हम लोग। तो ला मेर तो पूरा ऑलमोस्ट कवर कर ली है। कुछ चीज़ें मिस होती हैं, वो तो हमेशा मिस होंगी, हर चीज़ थोड़ी दिखा सकते हैं इतनी डिटेल में जाके। बुर्ज खलीफा देखें पूरा बादलों में कवर हुआ उस साइड में। लोग बहुत कम आए हैं आज, पता नहीं लोग वेदर की वजह से, अगर कुछ और मसला है, कोई इवेंट होगा कहीं पे शायद, वहाँ गए हैं। विंटर में इवेंट भी बहुत होते हैं, बहुत कम है। तो ये हम बाहर आ गए ला मेर से। तो बस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे देखता हूँ आगे भी क्या है, आगे का भी चक्कर लगा के आ जाता हूँ। तो अच्छा, वो एक नया बना रहे लोग, क्या क्या बात है, वो भी एक नया लुक बनाया। अलाउ नहीं है शायद, सर रेजिडेंसी उस साइड पर पोर्ट है सर, रेजिडेंसी नहीं, विलास 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 ही विलास। रियल इस्टेट जो है वो दुबई में बूमिंग है, ये सारे उन्होंने सिंगापुर से कॉपी किया है। सिंगापुर जो है वो रियल इस्टेट का किंग है, तो आई थिंक उन्हीं से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके रियल इस्टेट पे फोकस किया हुआ। कम्युनिटीज़ एक के बाद एक कम्युनिटीज़ बनाते हैं, एक्सपेंसिव कम्युनिटीज़। और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई पर अच्छा लोग रह भी रहे हैं ऑलरेडी यार, कुछ विलाज में लोग रह भी रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो ला मेर की वीडियो मैंने आपको दिखानी थी। तो बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मैं ला मेर के कोने पे आ गया हूँ, ये देखें समंदर के बीच में। ये भी एक स्पॉट बना है ला मेर का, उस साइड पे भी जा सकते हैं यार, सेपरेट बनाया हुआ है। ये भी बीच है भाई, तो आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन बीच क्लब पोर्ट डी ला मेर। प्राइवेट बीच पोर्ट डी ला मेर, ये प्राइवेट बीच लिखा है तो इसमें तो अलाउ नहीं होगा जाना। ये देखें सारा, ये कितना ज़बरदस्त इन्होंने समंदर के बीच में बनाई है जगह, खूबसूरती देखें आप। वेदर भी अच्छा है, तो वो बादलों ने कवर किया हुआ है सिटी को। तो ये देखें, ये ला मेर का नया स्पॉट है, ये ला मेर का रेजिडेंसी है और फिर बीच के बीच में बनाया हुआ है उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये देख सब लेफ्ट साइड पे पानी है, राइट साइड पे रोड है। लेफ्ट साइड पे पानी है, पूरा पानी पानी। सामने बिल्डिंग को कवर किया हुआ है क्लाउड्स में, बड़ा ज़बरदस्त व्यू दे रहा है उन्होंने। बिल्कुल पानी के बीच में सिटिंग एरियाज भी बनाया हुआ है उन्होंने, आई थिंक वॉकिंग के लिए ये जगह सिटिंग एरियाज भी बनाया हुआ है। तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। डिलीवरी वाला भी आके इम्प्रेस हो गया, उसने भी कहा मैं भी अपने मोबाइल पर वीडियो बना के टिकटॉक पर लगाऊँगा। ये देखें डिलीवरी वाला भी अपना वीडियो बना रहा है, बड़ा क्रश हो गया रह गया है। यहाँ से लुक से लुक है वैसे बड़ा ज़बरदस्त ये, नो डाउट। ये देखें समंदर चारों तरफ है, ऊपर से वेदर अच्छा है और सामने बिल्डिंगें दिख रही हैं। सामने देखें ज़बरदस्त बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सारा शेख जायद रोड की हैं सारी, वो सारी शेख जायद रोड है सारा। और ये सारा पानी है देखें, इस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने, तो अच्छा लुक है, बहुत ज़बरदस्त लुक है नो डाउट। तो लेकिन लस्सी इसका नाम ला मेर में आता है, मतलब कोई सेपरेट जगह नहीं है, पार्ट ऑफ द ला मेर ही है। ये देखें सामने ये सब शेख जायद रोड, पानी पानी पूरा शेख जायद रोड है। और ये बड़ा ज़बरदस्त लुक दे रहा है, पिक्चर भी ले लेता हूँ एक। ज़बरदस्त लुक दे रहा है, तो मैंने कहा पिक्चर इसकी बनाता हूँ सारी की ना। बुर्ज खलीफा को देखें, बिल्कुल कवर हो गया बुर्ज खलीफा, वो बुर्ज खलीफा बिल्कुल बादलों में कवर हो गया। चलें अभी बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ से वापस ही जा रहे हैं। तो ये आपको दिखा दिया सारा ला मेर का एडिशनल पार्ट है, ये पहले नहीं था, एग्जिस्ट नहीं था, अभी आया है। तो ठीक है, आपको फिर आगे जाके फिर और दिखाते हैं। बिल्डिंगें तो दिख रही हैं सामने, अगर देखनी है बिल्डिंगें तो ये सामने दिख रही हैं। तो सही है, आई थिंक देख ली है बिल्डिंगें, काफ़ी देखी हैं, तो सही है, फिर आगे दिखाते हैं।